ये बताओ कि अगर मैं यहाँ कोई फैक्ट्री चलाऊ, कोई कारखाना खोलू, है ना, और बांट निकाल दू कि मुझे एक मैनेजर की जरूरत है जिसकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये मैंने निकाल दिया, बहुत सारे लोग आ गए इंटरव्यू की डेट पर, है ना, मैंने इंटरव्यू लेना शुरू किया, एक को चुन लिया, दूसरे दिन हजरत मौलाना अय्यूब साहब से मुलाकात हुई, कहने लगे तू भाई किसी का इंतकाम किया, मैंने कहा हाँ पलंग कर लिया, कहा ओहो अदब लगी, मैं आपको अभी इतना तजर्बा यहाँ के लोगों से नहीं, मैं बहुत दिनों से हूँ, 5 साल तकरीबन मुझे हो गए, मैं खूब जानता हूँ, अरे वो शाह तो बड़ा बागी है, वो तो बड़ा बेवफा है, वो तो बहुत ही बददयानत है, वो तो ऐसा है कि जिस कारखाने में गया उसे तबाह कर दिया, जिस कारखाने में गया उसमें वो फुर्द बुर्द की, वो तबाही की कि वो कारखाना जो है वो सांस तक न ले सका, ऐसा आदमी, और आप लोगों से, अरे मैंने कहा मैंने उसकी लियाकत देखी, मैं क्या जानूं उसके अंदर क्या है, उनका आप तो आप जान गए, मैंने कहा जी हाँ बड़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बाखबर कर दिया, वरना मैं तो धोखा खा जाता, फरेब में आ जाता और बहुत बड़ा नुकसान मुझे होता। अच्छा अब आप फैसला करो कि जब मुझे ये मालूम हो गया और एक मोतबर जरिए से ये बात मालूम हो गई, तो क्या फिर मैं उसे अपने फैक्ट्री के लिए मैनेजर चुनूंगा, क्या उसे मैनेजर रखूंगा, है कतान नहीं। तो ए अल्लाह जब तुझे ये इल्म है कि ये इबलीस वो है कि जो बगावत करेगा, जो नाफरमानी करेगा, जो तेरे हुक्म को ठुकराएगा, जो तेरे महबूब की तौहीन करेगा, जो तेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनके नूर की तौहीन करेगा, तहदीद करेगा, ऐसे को तूने ये मर्तबा क्यों दे दिया? जवाब मिला सुनो, ताकि इबरत हो लोगों, ताकि नसीहत हो लोगों, असल में हमने एक नमूना पेश कर दिया ताकि दुनिया खबरदार हो जाए, ताकि क़यामत तक आने वाली इंसानी नस्लें बाखबर हो जाए कि देखो सिर्फ इल्म व फ़ज़्ल काफी नहीं, चाहे इतना इल्म व फ़ज़्ल मिल जाए कि वो फरिश्तों का मुअल्लिम हो जाए, चाहे इतनी इबादत व रियाजत करे कि जिन होकर फरिश्तों का सरदार बन जाए, जिन होकर, इब्लीस के बारे में जमहूर का कौल यही है कि वो जिन था, हुक्म हुआ था फरिश्तों को, ये क्यों शामिल था, ये उनका सरदार था, जब फरिश्तों को हुक्म है तो फरिश्तों के सरदार को भी ये हुक्म हुआ, तो था जिन, लेकिन अपनी इबादत रियाजत अपने इल्म व फ़ज़्ल की बुनियाद पर, बेसिस पर इसे ये मकाम मिल गया। तो रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, सुनो इंसानो, तुम्हारी नसीहत के लिए, तुमको मुतनब्बेह करने के लिए, तुमको वार्निंग देने के लिए, तुमको बाखबर करने के लिए, कि ये मत समझो कि इल्म व फ़ज़्ल ही सब कुछ है, चाहे शेखुल इस्लाम बन जाओ, चाहे हकीमुल उम्मत सुन लो, और चाहे इबादत और रियाजत में तुम कोई बलंद से बलंद मकाम हासिल कर लो, मगर सुन लो, दुनिया देख ले कि इस इल्म व फ़ज़्ल के बावजूद, इस इबादत और रियाजत के बावजूद, कि सारी दुनिया की इबादत उसके मुकाबले में नहीं हो सकती है, लेकिन जब उसने तौहीन नबी की है, जब उसने तहकीर रसालत की है, तो उसकी सारी इबादतें उसके मुंह पे मार दी जाती है, उसके इल्म व फ़ज़्ल की पगड़ी उसके सर से उठाकर फेंक दी जाती है। क्या समझे, नसीहत की दी गई कि ताज़ीम रसूल, तौकीर नबूवत और रिसालत इतनी अहम चीज है कि अगर तुमने बारगाह रिसालत की गुस्ताखी की, अगर तुमने बारगाह नबूवत की तौहीन की, तो कितने ही इल्म फ़ज़्ल वाले क्यों ना हो, कितनी ही इबादत और रियाजत वाले क्यों ना हो, लेकिन लेकिन तुम्हारे कुछ काम ना आए। और एक नसीहत और दी कि देखो इल्म फ़ज़्ल तुम्हें कितना ही मिल जाए, है ना, इबादत और रियाजत वाले कितने ही हो जाओ, मगर कभी इबादत का गुरूर न करना, ऐसा ना हो कि पंजगाना नमाजी बन गए तो यूं समझ लो कि हम जिब्रील अमीन हो गए। यानी ये भी सबक देना है, देखो हमेशा अल्लाह की तौफीक की दुआ करते रहो, हमेशा अल्लाह से हिदायत की तलब करते रहो, हमेशा अल्लाह के वलियों, दोस्तों, महबूबों, नबियों से हाथ लगाए रहो, हमेशा उनके दामन को मजबूती से पकड़े रहो, हमेशा उनके रास्ते पर चलते रहो, हमेशा उनकी यादें मनाते रहो, हमेशा
हमेशा इन औलिया किराम का उर्स करते रहो, हमेशा यौमुन नबी मनाते रहो, ताकि जब ये दिन तुम मनाते रहोगे हर साल तो उनकी जिंदगी ताजा होती रहेगी, उनका किरदार ताजा होता रहेगा, उनकी जिंदगी तुम्हारे सामने आती रहेगी, उनका पैगाम तुम्हारे सामने आता रहेगा और तुम गुमराही से बचे रहोगे, तुम भटकते रहोगे। कभी तुम खुद अपने को ऐसा हकीमुल उम्मत मत समझना कि उम्मत के नबी से भी बढ़ने की कोशिश करना, कभी तुम ऐसा शेखुल इस्लाम मत समझना कि तुम नबियों के भी शेख बनने की कोशिश कर जाओ, ऐसा करने की जरूरत मत करना, वरना देख लो क्या हश्र हुआ है, वो या पहले ही एक हश्र दिखा दिया गया, यानी मैदान हश्र तो बाद में है, अजल ही में एक का हश्र दिखा दिया गया, अजल ही में एक का हश्र दिखा दिया कि देख लो मेरे रसूलों के की तौहीन और उसकी तहदीर, उनकी तहदीर का ये हश्र होता है, ये अंजाम होता है। तो तुमने देखा कि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फरमान से, अल्लाह के नबी की तालीम से टक्कर लिया कौन? इब्लीस ने। क्या हश्र हुआ देख लिया ना, आखिर तुम्हें यही पढ़ना पड़ेगा कि जाल हक व ज़हक अल बातिल इन अल बातिल कान ज़रूका, ये सिलसिला चलता रहा, ये मत समझो कि अजल में होके रह गया, नहीं नहीं, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चराग़े मुस्तफ़ी से शरारे बुलहबी, और ये सिलसिला चलता रहा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस गुमराह दुनिया को, इस भटकी हुई इंसानियत को, जहां जहालत का दौर दौरा था, जहां जुर्म सितम का दौर दौरा था, जहां बेअखलाकी बेहयाई बदकिरदारी का दौर दौरा था, जहां इंसान इंसानियत को भूल गया था, जहां इंसान हैवानियत इख्तियार कर चुका था, जहां दरिंदगी, जहां बर्बरियत, जहां इंसानियत का गला घूटा जा रहा था, उस मौके पर अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए हक का रास्ता दिखाने के लिए, हक क्या है वो बताने के लिए, हक का रास्ता दिखाने के लिए और हक से मिलाने के लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, और ऐसे आए कि नबुवत का दरवाजा बंद करते हुए आए, खातमुन नबीयीन बनकर आए, नबुवत और रिसालत की बिसात पलटते हुए आए, नबुवत और रिसालत के ऐवान की आखिरी ईंट बनकर के आए, ऐवान नबुवत की आखिरी ईंट और फरमान नबुवत की आखिरी मोहर बनकर आए, मुख्तसर यह है खातमुन नबीयीन बनकर आए। अब इनके बाद तो नबुवत का सिलसिला नहीं था, तो क्या दुनिया ये समझती है कि अब जब खातमुन नबीयीन चले गए तो अब हक व बातिल की जंग खत्म हो जाएगी, अब हक व बातिल की जंग खत्म हो जाएगी? अरे खादिमुन नबीयीन तशरीफ ले गए, अब कोई नबी ना आएगा, मगर अल उलमा व वरसतुल अंबिया, ये बातिनी उलमा, ये इल्म जाहिर और इल्म बातिन दोनों रखने वाले उलमा, जिन्हें औलियाए किराम के नाम से याद किया जाता है, अब नबूवत की मिशन को ये रोशन करेंगे, नबूवत के फर्ज को ये अंजाम देंगे विलायत की शक्ल में। तो नबूवत तो खत्म हो गई, लेकिन नबूवत की कायम मुकाम विलायत का सिलसिला जारी किया गया, विलायत का, और औलियाए किराम के सुपुर्द खल्क की हिदायत की गई, औलियाए किराम के सुपुर्द खल्क की हिदायत, मखलूक की गाइडेंस सुपुर्द की गई। चुनांचे जब दुनिया में कुफ्र की आंधियां चल रही थी, जब कुफ्र की अंधेरा छाया हुआ था, जब बदकिरदारी, बदचलनी और बुरी बुरी रस्में, और जिस वक्त इंसान की ये बाज़मत पेशानी, इंसान की ये बाइज्जत पेशानी अपने हाथ के बनाए हुए बादल माबूदों, पत्थरों, कंकरों और दरिंदों, जानवरों, दरिया की लहरों, आबशार के नगमों, पहाड़ों, दरख्तों के आगे झुक रही थी, जब ये बाइज्जत पेशानी इन मखलूक, हकीर मखलूक के आगे पामाल हो रही थी, जब इंसानी अजमत से खेला जा रहा था, जब इंसान की ये बाज़मत पेशानी जो सिर्फ एक अल्लाह के आगे झुकने के लिए बनाई गई है, वो हर हर दर पर, हर हर चौखट पर झुक रही थी, हर एक को अपना माबूद बना रही थी, उस वक्त जनाब ख्वाजे अजमेरी को हक का परचम दिया गया, ख्वाजे अजमेरी के हाथ में हक का परचम दिया गया, हक और बातिल की जंग न बंद हुई है न बंद रहेगी। मगर एक सवाल और मैं कर दूं, आजकल इत्तेहाद और इत्तेफाक का नारा लगाया जा रहा है, कहा जाता है कि इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तलाफ मौत, इत्तेहाद जिंदगी। कौन अकलमंद है, कौन साहिब दानिश है, कौन महफूज रहने वाला है, कौन जरा सी भी समझ रखने वाला ऐसा है कि जो इत्तेहाद को बुरा करेगा,
जो इत्तेफाक को बुरा कहेगा, जो यूनिवर्स जो यूनिटी को बुरा कहेगा, कौन ऐसा है? कोई नहीं कह सकता। मगर सुन लो, आज इस महफिल में और ख्वाजे एक मेरी की यादगार महफिल में उनके मिशन को सामने रखते हुए मुझे कहने दो, हे दुनिया वालों, तुम कहते हो इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तलाफ मौत है, मगर मुझे कहने दो, इत्तेहाद मौत है, इख्तलाफ जिंदगी है। इत्तेहाद मौत है, इख्तलाफ जिंदगी है। अब सुन लो, नजरें बदल गई तो नजारा बदल गया, नजरें बदल गई तो नजारा बदल गया। अभी तक तो तुम ये नारा लगा रहे थे, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तलाफ मौत है। और ये मौलाना करीम साहब अशरफी जीलानी कहां से आ गए कि जो ये कह रहे हैं इत्तेहाद मौत है, इख्तलाफ जिंदगी। तुम्हें बताता हूं, ए इत्तेहाद का नारा लगाने वालों, ए इत्तेहाद का प्रचार करने वालों, इब्लीस और आदम में इत्तेहाद दिखा दो, मूसा और फिरौन में इत्तेहाद दिखा दो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद में इत्तेहाद दिखा दो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल उतबा और शैबा में इत्तेहाद दिखा दो, यजीद और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में इत्तेहाद दिखा दो। और खुदा की कसम, अगर आदम और इब्लीस मुत्तहिद नहीं हो सकते, अगर नमरूद और इब्राहिम एक प्लेटफार्म पर जमा नहीं हो सकते, अगर मूसा और फिरौन एक प्लेटफार्म पर जमा नहीं हो सकते, अगर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अबू लहब अबू जहल एक प्लेटफार्म पर जमा नहीं हो सकता, मुत्तहिद नहीं हो सकता, अगर इमाम हुसैन अला जद्दही वालेहि सलातो व सलाम मलून यजीद के हाथ में हाथ नहीं दे सकते, तो सुनो, जब ये सब मुत्तहिद नहीं हो सकते, जनाब आदम से लेकर के जनाब हसन और हुसैन, हजरत इमाम हसन और हुसैन, हजरत इमाम हुसैन और यजीद में इत्तेहाद जब तुम नहीं दिखा सकते, तो बताओ, जब ये मुत्तहिद नहीं हो सकते तो वफादार मुस्तफा का गद्दार मुस्तफा से कैसे इत्तेहाद हो सकता है? जो वफादार मुस्तफा है वो अल्लाह जिंदाबाद। इत्तेहाद का परचम लहराने वालों, पहले हमें आदम और इब्लीस को मुत्तहिद करके दिखा दो, नमरूद और इब्राहिम को एक प्लेटफार्म पर दिखा दो, मूसा और फिरौन को एक प्लेटफार्म पर दिखा दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को और अबू लहब और अबू जहल को गले से गले मिलता हुआ दिखा दो, यजीद और हुसैन को हाथ मिलाते हुए दिखा दो, तो खुदा की कसम हम वफादाराने मुस्तफा गद्दाराने मुस्तफा को भी गले लगा लेंगे। लेकिन न कभी तुम वो दिखा सकते हो, फिर हमसे ये क्यों मुतालबा करते हो, फिर हमसे ये क्यों मुतालबा करते हो, हक और बातिल को मिला रहे हो, जाल हक को वज़ाक अल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। सुन लो, गौर से सुन लो, हक आ गया है, बातिल रफू चक्कर हो गया, और बातिल को तो भागना ही, बातिल को तो राहे फिराना तैयार ही करनी थी, जहां हक होगा वहां बातिल नहीं हो सकता, जहां पानी होगा वहां तयम्मुम नहीं कर सकते, जहां वुजू कर सकते हो वहां तयम्मुम नहीं कर सकते, जहां हक होगा वहां बातिल टिक नहीं सकता है, वरना ये सब हमें इत्तेहाद दिखा दो। सुन लो, मालूम हो गया, क्या पता चला कि इत्तेहाद जिंदगी, इख्तलाफ मौत, मगर कब? वफादाराने मुस्तफा का इत्तेहाद, वफादाराने मुस्तफा से ये जिंदगी, हक अहले हक का इत्तेहाद अहले हक से ये जिंदगी, हक वालों का इत्तेहाद हक वालों के साथ ये जिंदगी है, और हक का इत्तेहाद बातिल से यही बोल है ना। हाँ, इतना जरूर है, हक और बातिल में तो इत्तेहाद यूनिटी नहीं दिखा सकते, लेकिन अफसोस तो जब होता है जब अहले हक से टकराते नजर आ रहे हैं, जब वफादाराने मुस्तफा आपस में टकराते नजर आएंगे, जब वफादाराने मुस्तफा आपस में उलझते नजर आएंगे, तो यकीनन ये अफसोस की बात होगी, यकीनन ये मौत की बात हो सकती है, मगर वो मौत की बात वो तो जिंदगी है। और बता दो, अगर यजीद और इमाम हुसैन की सुलह हो जाती तो क्या हश्र होता, अगर हजरत इमाम हुसैन
कुव्वत से डर कर, इख्तदार से डर कर, पावर से डर कर, आर्मी से डर कर, खजाने से डर कर, दौलत से खौफ ज़दा होकर, अगर अपना हाथ बुज़दिली का सुकून देते हुए माज़अल्लाह यज़ीद के हाथ में दे देते, तारीख का नक्शा क्या होता, तारीख का धारा किस तरह बहता, तारीख क्या होती। खुदा की कसम कोई फिर ये न कहता ख्वाजा अजमेरी बन का शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद खुदा की कसम इमाम हुसैन ने जब गद्दार मुस्तफा से, जब गद्दार इस्लाम से, जब बागी हक से इख्तलाफ किया है तो उसी को बिना ला इलाहा मेरी तरह दे। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम हुसैन को हक की बुनियाद करार दे रहे हैं, बिना ला इलाह करार दे रहे हैं, शाह और बादशाह करार दे रहे हैं, सरदार नदार दस्त यजीद, सर तो दे दिया मगर यजीद के हाथ में हाथ न दिया, है ना। हक पाओ की बिना इलाह हक है कि इस्लाम की बुनियाद उस सैराब किया है जनाब इमाम हुसैन ने अपने खून, हक हक के बागीचे को गार्डन को सैराब किया है, वाटरिंग की है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा-ए-कार ने अपने खून खून से सैराब किया है, अपने खून से सींचा है। यह सिलसिला चलता रहा, यह सिलसिला चलता रहेगा। हाँ बस आज की इस महफिल में हमें और आपको अहद ये करना है कि वफादाराने मुस्तफ़ा आपस में न लड़ेंगे, वफादाराने मुस्तफ़ा आपस में न लड़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले हक आपस में न लड़ेंगे। जब बातिल सर उठाएगा तो हम कुचल देंगे, जब बादल सर उठाएगा तो हम सामने आ जाएंगे। लेकिन आज ये जरूर अहद करना है हमें और आपको सबको कि हम अहले हक आपस में जंग न करेंगे। चाल हक को वज़ाहतन बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, ये सिलसिला चलता रहा अजमेर तक पहुंचा। इधर जनाब ख्वाजे अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह रूहानियत मार्फत अखलाक किरदार सफाए कल्ब सफाए बातिन रूहानियत के जाम में मस्त हिंद की तरफ जा रहे हैं, उस कुफ्रिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, उस जुल्मत कदे की तरफ बढ़ रहे हैं शमे हिदायत रोशन करने के लिए, हिदायत की रोशनी बिखेरने के लिए। और दूसरी तरफ पृथ्वीराज को उसकी माँ क्या बता रही है, हमको जादूगरों ने ये इत्तला दी है एक मुसलमान फरीक फकीर भारत की पवित्र भूमि की तरफ चल चुका है और वो न सिर्फ ये कि हमारे धर्म को भ्रष्ट कर देगा बल्कि बल्कि वो तुम्हारी हुकूमत के पाखचे उड़ा देगा, तुम्हारी सल्तनत की धज्जियां बिखेर देगा। पृथ्वीराज होशियार रहो, माँ ये खबरदार कर रही है, किसी ज्योतिषी किसी नजूमी की खबर सुना रही है। और उधर हुजूर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मस्ताना वार अपने चंद रफीकों के साथ अपने चंद जानिसारों के साथ चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। इधर ये ख्वाब होता है और उधर पृथ्वीराज ऑर्डर दे देता है, देखो कोई मुसलमान फकीर हमारे सल्तनत के लिमिट में दाखिल ना होने पाए, हमारे सल्तनत के हदूद में दाखिल ना होने पाए। हर तरफ पुलिस फौज बिखर गई, जासूस सीआईडी बिखर गए, कोई मुसलमान फकीर अंदर न दाखिल होने पाए। मगर ख्वाजे अजमेरी सुनो, वो शहंशाह हिंद, वो रूहानी की ताजदार, वो रूहानी बादशाह, जिस्मानी बादशाह से घबराने वाला न था। अरे ये वो थे जिनके बारे में कुरान मुजदा सुना रहा है, अरे इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये डरने वाले नहीं वाले औलिया, ये हो रही है कि आप किसी से खौफ खाने वाले नहीं। सुनो, न ये हुकूमत से खौफ खाने वाले, न ये दौलत से खौफ खाने वाले, न ये इज्जत और शौकत से खौफ खाने वाले, न ये रोब और दबदबा से खौफ खाने वाले, न ये खजानों से खौफ खाने वाले, न ये फौज और सिपाह से डरने वाले, न ये किसी ताकत और पावर से डरने वाले, न किसी इख्तदार से डरने वाले, न किसी सल्तनत से टिकने वाले, न किसी शहनशाह से डरने वाले। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज चले जा रहे हैं, पहुंच गए मुख्तसर ये पहुंचे एक दरख्त के नीचे अपने रफीकों के साथ, सामान्य सफर खोल दिया तो पहुंचे ऊंट चराने वाले शाही शाही